Sentences भी दिए गए होंगे राइट right? तो फिर आप कभी कभी उस कंटेक्स से वो उसका antonym या synonym जो भी है, उस answer, answer तक जा सकते हो। राइट so, तो हार्मफुल right? तो का एंटोनिम क्या हो जाएगा हार्मलेस ना अब हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि बस हम ये प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस राइट right? मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स कवर कर दो सो so, हम यहाँ पे अब देखेंगे बाकी कुछ वर्ड्स और उनके बाकी थोड़े से सिनोनिम्स देख लेंगे हम लोगों की तो डेट्रीमेंटल का मीनिंग ये भी हो सकता है ना कि कोई चीज हार्मफुल है यस yes. तो so, और क्या 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 वर्ड्स हो सकते हैं बता दो जल्दी से पार्लस ऐसा ऐसा ध्यान में रख दो ना कि पार्लर जाके स्किन खराब कर दी तो फिर वो हार्मफुल है ओके यस पार्लस सी, मेनेस का मतलब होता है कोई भी चीज जो हार्मफुल है या फिर हार्मफुल सिचुएशन तो फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं है? मैन अपना एस मैन अपना इक्का कब निकालते हैं जब कोई चीज हार्मफुल हो सामने ओके यस देन जियो, जियो पार्डी का मतलब भी है हार्मफुल सिचुएशन या फिर डिलीटेजियस देखो ये चीज अच्छी नहीं है तो फिर ये चीज डिलीट कर दो तो. ओके okay? अच्छी नहीं है हार्मफुल है तो डिलीट कर दो तो. और क्या क्या हो गए यस हजार नेक्स्ट वन इज प्ररियस प्रिकैरियस देखो अगर किसी भी चीज की पहले प्री मतलब पहले और केयर पहले किसी भी चीज की केयर नहीं करोगे तो फिर वो बाद में हार्मफुल हो जाएगी ओके? लीथल, लीथल का मतलब भी है हार्मफुल अब नौशिया हो जाता है ना कभी कभी हमें वीकनेस की वजह से तो फिर वैसे ध्यान में रख देना नौशिया मतलब हार्मफुल होता है वो तो फिर अबनोक्शियस ओके तो इसी के रिगार्डिंग दो तीन वर्ड्स हैं नोशिया से आप रिमेम्बर कर सकते हो अब या फिर नोक्शियस और मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जिसमें भी स्टार्टिंग में ओब ऑब आएगा ऑब का वर्ड तो फिर वो ज्यादातर वर्ड्स निगेटिव हो जाते हैं राइट ऑब्स्टैकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्लुकी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जाके देखिए सो दैट यूल बी एबल टू रिकॉल इट हियर ओके और फिर क्या हो जाएगा

हो गए बहुत सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन वर्ड्स आपको इसके डेट्रीमेंटल याद हो गए होंगे राइट यस यस सो द नेक्स्ट वर्ड ऑन स्क्रीन इज ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा आई नो बट माय मोटिव इज टू कवर अदर वर्ड्स ओके सो ड का मतलब है जो कोई चीज छोटी हो हाइट में राइट right? तो so, फिर उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जो चीज बड़ी हो तो फिर हियर मीडियम

ऐसे ध्यान में रख देना कि ह्यूमंस की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना है ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ह्यूमंस की तो फिर ह्यूमंगस उससे हो गया ओके okay? बम्पर बोलते हैं ना एग्जाम के लिए बम्पर वैकेंसी ऐसे पेपर में वगैरह एड आ जाती है तो फिर उससे ध्यान में रख देना देन द नेक्स्ट वन इज जायंट से ध्यान में रख देना जायजेंटिक ओके जायंट से जायजेंटिक देन द नेक्स्ट वर्ड इज अब ये थोड़े से इजी है आपको रिलेट करने के लिए लाइक कॉस्मिक कॉस्मोस हमारा बहुत बड़ा है राइट right? तो कॉस्मोस से ध्यान में रखो कॉस्मिक जो चीज बहुत बड़ी है ओके देन द नेक्स्ट वन इज मैसिव ये तो इजी था ओशनिक हमारे ओशंस बहुत बड़े होते हैं ना राइट तो फिर उससे ध्यान में रखो ओशनिक वैसे भी माउंटेन्स माउंटेन्स भी बहुत बड़े होते हैं तो फिर माउंटेनियस देन द नेक्स्ट वन इज हिमालयास भी बहुत बड़े हैं माइटी है ना तो हिमालयास की तरह हिमालयन कोई भी चीज हिमालयन है मतलब इट्स जाइजेटिक इट्स ह्यूमंगस ओके और लास्ट का लास्ट का वर्ड देख लो ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस यस एंड वन मोर प्रोडीजियस ओके तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है जायंट या फिर जायजेंटिक द एंटोनिम ऑफ डुआर ओके यस द नेक्स्ट वर्ड इज शी हैज अ पेंचेंट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट पेंचेंट का एंटोनिम बताना है आपको एंजाइटी हेटरेट फियर या फिर जॉय ये वर्ड अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो फिर शायद फर्स्ट या सेकंड स्लाइड पे मैंने इसके सारे सिनोनिम्स करवाए थे आपको पेंचेंट के ओके okay? और ऐसे आपको मैंने निमोनिक भी बताया था पेन से प्यार पेंचेंट ऐसे ध्यान में रखता रख देना ओके सो okay? so, पेन से प्यार यानी कि पेंचेंट तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा पेन से नफरत राइट हेट्रेट बोल सकते हैं फिर भी मैं आपको थोड़े से वर्ड्स रिवाइज कर देती हूँ इन ऑर्डर टू हैव अ क्विक ओके सो अगर मैं पेंचेंट पेंचेंट तो फिर के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसका मतलब है लाइकिंग ओके किसी भी चीज के प्रति लाइकिंग तो लाइकिंग को हम अफेक्शन बोलते हैं राइट लव एंड अफेक्शन पॉजिटिव वर्ड्स है right? words, ना सो ऑल दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स पी से मैंने चार वर्ड्स बताए थे आपको पी से और ऐसे ही ध्यान में रखना पी से चार वर्ड्स एक था पेंचेंट, एक है प्रिडेलिक्शन ओके प्रिडेलिक्शन नेक्स्ट वन इज प्रोपेंसिटी नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्लिविटी और ये था पेंचेंट, फोर्थ वर्ड था पेंचेंट, और फिफ्थ वर्ड है प्रेफरेंस अगर हमें कोई चीज पसंद है तो हम उसका प्रेफरेंस देते हैं ना राइट right? तो उस उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस या फिर और क्या बोल सकते हैं हम लोग अफिनिटी बोल सकते हैं ना अफिनिटी और इसका एंटोनिम फोबिया भी हो जाता है लाइकिंग है तो फिर अफिनिटी डिसलाइकिंग है तो फिर फोबिया नेक्स्ट वर्ड इज एंडियरमेंट तो ये कैसे ध्यान में रखोगे एंडियरमेंट जो आपको पसंद है वो आपका डियर होता है राइट right? तो फिर एंडियरमेंट तो इसके एंटेन्स क्या हो जाएंगे यस yes. डिसलाइक हो जाएगा अवर्जन राइट अवर्जन या फिर ये बहुत कॉमन वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभोरस इसको कैसे ध्यान में रखो बोर इसको ना आप बोर की तरह ध्यान में रखो बोर ओके okay? जो भी लोग हमें बोर करते हैं तो फिर वो लोग हमें पसंद नहीं होते राइट तो फिर वैसे ध्यान में रख देना अब री से कुछ वर्ड्स से, से, है ना रिपील हमें जो चीज पसंद नहीं है हम उस चीज से रिपेल कर देते हैं, राइट रिपेल और एक क्या हो जाएगा रिपेल से ही रिपल्शन नाउन है ना ये और रिपग्नेस ओके या फिर और क्या हो जाएगा यस डिस्गस्ट डिस्कस्टिंग हम बोलते हैं ना किसी चीज को अगर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई तो फिर हम बोलते हैं ऐसे कि it's disgusting. Yes. तो उसी को बोलते हैं डिसलाइक करना या फिर एनिमोसिटी ऐसे ध्यान में रख देना कि एनिमल से नफरत करते हैं वो लोग एनिमोसिटी मतलब एनिमल से नफरत ओके okay. डिस्डेन और लास्ट वर्ड अबोमिनेशन ओके अबोमिनेशन तो इसको कैसे ध्यान में रखोगे एक बहुत अच्छा से वर्ड आता था पेपर में कि फॉर एग्जाम्पल करप्शन करप्शन इज एन अबोमिनेबल क्राइम मतलब अ क्राइम विच डज नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट ओके इट इज डिसलाइकड बाय एवरी वन उसको बोलते हैं अबोमिनेशन या फिर अबोमिनेबल ओके okay? तो ये सारे हो गए

द थिंग विच इज करंटली एग्जिस्टिंग ओके यस तो नेगोशियट एक्सटिंक्ट ड्रूल या फिर परसिस्ट क्या हो जाएगा इसका परसिस्ट तो आपको पता है परसिस्ट करना मतलब कंटिन्यू करना नेगोशिएट मतलब हम तो नेगोशिएट करते ही है जब मार्केट में जाते हैं बार्गेन करना राइट right? परसिस्ट मतलब कंटिन्यू करना तो फिर सेंटेंस से आप देख सकते हैं कि ये दो मैनुस्क्रिप्ट अभी भी एक्सटेंड है तो वी कैन नॉट से अभी भी नेगोशिएट है या फिर कंटिन्यू है बोल सकते हैं हम कंटिन्यू है यस yes. ये तो फिर इसका सिनोनिम हो जाएगा ना राइट right. लेकिन हमें क्या चाहिए एंटोनिम चाहिए तो फिर एंटोनिम हो जाएगा एक्सटिंक्ट यस yes. तो एक्सटैंक का एंटोनिम एक्सटिंक्ट ओके यस तो एक्सटिंग्ट के थोड़े से सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं हम लोग एक्सटिंग बोल सकते हैं यस एक्सटिंग या फिर बाइगॉन मतलब जो चीज गई गुजरी है बाइगॉन डीफंक्ट इसको कैसे ध्यान में रखोगे डी मतलब निगेटिव फंक्ट funct मतलब फंक्शन तो ये चीज अभी फंक्शन नहीं करती तो फिर डिफंक्ट और लास्ट वन वैनिश वैनिश आता है ना मार्केट में कि ये चीज आपके स्टेन्स को वैनिश कर देगी मतलब एक्सटिंग कर देगी ओके और ड्रूल का मतलब होता है बोलना छोटे बच्चे जो बोलते हैं ना ऐसे तो फिर उसको ड्रूलिंग बोलते हैं ओके ये भी वर्ड आप, आपको मैंने कराया है लास्ट सेशन में His are and subject matter. और मैंने आपको ये भी बताया था रिकंडाइट को ऐसे ध्यान में रख देना की समझ में नहीं आया फिर से कंडक्ट कर, कर दो पर इसका मीनिंग रिकंडक्ट नहीं है इसको आप ऐसे ध्यान में रखोगे समझ में नहीं आया फिर से कंडक्ट कर दो मतलब इट वॉज डिफिकल्ट रिकंडाइट तो का मतलब होता है डिफिकल्ट तो मैंने आपको ये ऐसे रिमेंबर करने को बोला था कि कोई चीज डिफिकल्ट है मतलब समझ में नहीं आया तो फिर से कंडक्ट कर दो रिकंडाइट का मतलब क्या हो जाएगा रिकंडाइट का मतलब डिफिकल्ट तो इसका एंटोनिम ऑप्सकर सिंपल ब्रीफ या फिर मिस्टिकल क्या हो जाएगा सिंपल यस yes. तो हमने इसके भी वर्ड्स किए थे शायद ऑप्सकर के है ना मैंने बताया था आपको ऑप्सकर के अब मैं सारे के सारे प्रीवियस स्लाइड वाले वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिखूंगी अब जाके प्लीज वो चेक कर देना ओके ऑप्सकर के बारे में मैंने बताए थे ऑप्सकर मतलब जो चीज़ डार्क है या फिर जो चीज क्लियर नहीं है या फिर उसके एंट्रेंस और अगर बोलू तो नेब्यूलस किया था हमने नेब्यूलस ऑप्स्करूज किया था या फिर ऐसे एसोफेगस ऐसे होता है ना हमारी एसोफेगस तो फिर एसोफेगस ऐसे स्ट्रेट नहीं होती क्लियर नहीं होती तो उसको हम इसोटेरिक भी बोलते हैं वेग वेग और वोग का मैंने आपको बताया था मीनिंग तो फिर वो भी जाके चेक कर देना यहाँ पे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाए और इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट मतलब क्लियर नहीं है तो इसका एंटरनेम हो गया एक्सप्लीट राइट यस yes. तो के ये सारे हो गए ब्रीफ ब्रीफ का मतलब तो आपको पता है शॉर्ट मिस्टिकल का मतलब जो चीज मिस्टिकल है मतलब समझ में नहीं आती इतनी जल्दी बट उसको ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल होता है स्पिरिचुअल मीनिंग होता है उसका तो उसको बोलते हैं मिस्टिकल तो इसका ना थोड़ा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रिकनडाइट का ना सिनोनिम है क्योंकि स्पिरिचुअल मतलब सब लोगों को समझ में नहीं आता ना वो इसीलिए फिर जो मिस्टिकल चीज है वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है तो so, फिर वी कैन दैट इट इज ओके यस सो द नेक्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन इज सफाइस सफाइस तो का मीनिंग होता है रिकंडके मतलब जो चीज ज्यादा नहीं है पर सफिशियंट है ओके okay. तो so, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा एक्सेस एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना तो so, ये सफिशियंट का एंटरनेम हो जाएगा सटायर तो आपको बताया जो लोग हमारे कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना वो सटायरिकल होते हैं मतलब they talk very sarcastically. या फिर आयरनिकली मतलब अगर आप सुंदर नहीं दिख रहे हो आपको पता ही है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो उतना फिर, फिर भी ऐसे कोई फ्रेंड्स होंगे वो आएंगे और आपको बोलेंगे यार तू तो बड़ा अच्छा लग रहा है या फिर तू तो बड़ी अच्छी लग रही है बट यू नो दैट आर टॉकिंग इन सार्केस्टिक वे ओके यस तो एक्सेस का क्या बोल सकते हैं हम एक्सेस का मतलब है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो इसको हम अबंड बोल सकते हैं ना अब या फिर मायर यस वर्डंट वर्डंट को आप वर्बोस से ध्यान में रखो वर्बोस वर्बोस का मतलब होता है टू टॉक टू मच बहुत ज्यादा बोलना और word, word का मतलब है बहुत ज्यादा सेंस में कोई भी चीज होना नेक्स्ट इज लश लीन ग्रीन ग्रास मतलब प्लेंटी ऑफ ग्रीन ग्रास प्लेंटी भी बोल सकते हो बट वो इजी है तो फिर मैं वो नहीं लिखूंगी लग्जूरियंट लग्जूरी Luxury में कौन रहता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं बहुत ज्यादा लक्स के साबुन है इसलिए वो है, ऐसे ध्यान में रखो सफीत, प्लेथोरा थोड़ा थोड़ा करके पूरा पॉन्ड भर गया ऐसे ध्यान में रखो थोड़ा थोड़ा करके पूरा पॉन्ड भर गया सो अब वो एक्सेस हो गया एम्पल एम्पल का मतलब भी वही है copious copious कैसे ध्यान में रखोगे ऑप्यूलेंट ये वर्ड मैंने लास्ट टाइम किया था आपको आपसे आपको करा, कराया था मैंने ऑप्यूलेंट ऑप्यूलेंट का मतलब होता है affluent या फिर वेल्दी जिसके पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा अमाउंट सो को अप्यूलेंट ऐसे ध्यान में रखो और लास्ट अमटेन तो ये सारे हो गए एक्सेस के synonyms, okay? डिस immature तो आपको बताएं okay, अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं में ऐसे होते हैं जिसको आप एलिमिनेशन करके एलिमिनेशन करके आप आंसर आंसर तक जा सकते हो okay? ओके तो वो आप कैसे करोगे सी कमली ये वर्ड दिया है आपको तो आप ज्यादातर ट्राई करो कि उसको क्लासिफाई कर दो पॉजिटिव है या निगेटिव करके फर्स्ट ग्रैंडी लोक ग्रैंड का मतलब ये मैंने हालांकि मैंने ये वर्ड आपको कराया था लोक का ये रूट कराया था मैंने लास्ट टाइम तो उसमें ग्रैंडी लोकट करके मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो बातें करता है जो उसको हम पॉम्पस भी बोलते हैं ना तो फिर उसको बोलते हैं ग्रैंडी या फिर मैग्नि तो ये पॉजिटिव हो गया ग्रिगेरियस शायद ये भी करा था मैंने ग्रिगेरियस का मतलब सोशल होता है ना तो ये भी पॉजिटिव है ग्री मतलब थोड़ा सा ना ग्रुप का सेंस का रूट है ग्री मतलब ग्रुप तो फिर जो लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं ना उनको बोलते हैं ग्रिगेरियस और गॉर्जियस गॉर्जियस ये भी पॉजिटिव है गॉर्जियस मतलब अच्छा बहुत अच्छा दिखना है या फिर ऐसे तो फिर इसका इसमें सब में निगेटिव कौन सा वर्ड है बस ये एक निगेटिव है तो फिर ये हो सकता है हमारा आंसर ओके okay? और यही आंसर है इसका कमली का मतलब होता है प्लेजेंट इन अपियरेंस ओके प्लेजेंट इन अपियरेंस तो उसको बोलते हैं कॉमली और अपसर्ड का मतलब है जो मतलब अजीब तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड है शी इज ड्रेस्ड इन अ वेरी अपसर्ड मैनर मतलब बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मैनर में उसने अपनी ड्रेसिंग की है या फिर क्लमजी ये सब ऐसे भी बोलते हैं उसको ओके okay? Yes. So next is, क्या हो जाएगा इसका लिबरल बैकवर्ड जेंटल या फिर लीनियंट अब ये देखो यहाँ पे भी आप उस सेंस में पॉजिटिव निगेटिव करके आप एलिमिनेट कर सकते हो एग्जाम्पल देखो फार्मर्स सन क्रैक्स आई आई टी प्रिकॉशियस चाइल्ड क्या बोल सकते हो इसको सी एक तो याद मतलब एक तो समझ आ रहा है हमें कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड होगा जरूर है ना तो फिर ये लिबरल एक पॉजिटिव ही है लिबरल मतलब क्या होता है लीनियंट अरे ये तो है यहाँ पे लीनियंट और लिबरल ये दोनों सिनोनिम्स है राइट ये भी पॉजिटिव है लीनियंट भी थोड़ा सा पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल भी बोल सकते हो जेंटल तो हाईली पॉजिटिव है तो फिर रह गया बस ये एक बैकवर्ड तो फिर ये हो जाएगा और एक ऑप्शन है आपके पास मतलब एलिमिनेशन से जाने के लिए एंड दैट इज अगर दो वर्ड्स दिए हैं और उनके सेम मीनिंग जैसे कि पे देख लो लिबरल का मतलब होता है जो ज्यादा फ्रीडम देते हैं ना स्ट्रिक्ट नहीं होते किसी के पेरेंट्स लिबरल होते हैं ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं लीनियंट होते हैं तो फिर लिबरल भी है लीनियंट भी है इसका मतलब ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम्स है एक दूसरे के तो फिर दो ऑप्शंस तो कभी नहीं होंगे राइट right? तो वो दो एलिमिनेट कर दिया आपने और अगर बचे हुए दो उन दोनों वर्ड्स में आपको थोड़ा भी कुछ का किसी का मीनिंग पता है तो फिर आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप चांस ले सकते हो कि फिफ्टी फिफ्टी हो रहा है तो फिर इसमें से जो भी आपको सही लग रहा है थोड़ा तो फिर वो कर सकते हो आप ओके यस तो प्रिकॉशियस का मतलब होता है जो लोग जल्दी से बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं ओके अर्ली मैच्योर बोल सकते तो इसका एंटरिंग हो गया बैकवर्ड नेक्स्ट एक्सपेडाइट शायद ये वर्ड भी मैंने लास्ट टाइम कराया आपको स्पीड से कराया था ना मैंने स्पीड एक्सपेडाइट देखो एक्सपेडाइट तो इसमें स्पीड का प्रोनाउंसिएशन छुपा है ना तो एक्सपेडाइट का मीनिंग है स्पीडी तो यहाँ पे देख दो क्विक और फास्ट ये दोनों सेम ही हो गए ना ऑलमोस्ट और फास्ट तो ये दोनों भी नहीं होंगे hasten और डीले इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तो फिर आपको पता होगा कि बोलते ऐसे कि डोंट डू इट इन हरी और डोंट डू इट इन हेस्ट मतलब जल्दबाजी में मत करो तो फिर इसका भी सिनोनिम ऑलमोस्ट सिमिलर है का मतलब है सेम सो हेस्टन का मतलब भी है फास्टन तो ये तीनों पॉजिटिव हो गए तो फिर आंसर है डीले डीले को और भी कुछ सिनोनिम्स बता देती हूँ डीले के डेफर ओके डी दी से डीले और डीले से और डेफर ये दोनों ध्यान में रख देना या फिर लिंगर लिंगर मतलब भी ऐसे ही टाइम पास करते रहना ओके लिंगर नेक्स्ट वन इज डॉडल डिली डैली छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर वो स्कूल से आते आते डिली डैली करते हुए आते हैं मतलब देर से घर पहुंचना टाइम पास करते रहना वैसे ओके यस तो ये हो इसके सिनोनिम्स और और बताओ बहुत कॉमन वर्ड है जो आप सब लोग ऑलमोस्ट नाइनटी एट परसेंट लोग तो आप लोगों में से करते ही होंगे अपने लाइफ में मतलब डीले करते होंगे यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे राइट तो अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया है कि पिछला वीडियो बाद में देखेंगे एग्जाम के पहले देखेंगे तो ऐसे मत करो जाके पहले वो देख लो बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पहले दो दिन पहले एक हफ्ता पहले करोगे बट वो वर्ड्स उतने रिकॉल नहीं होंगे एग्जाम में आपको ऐसे लगा, लगेगा कि यार मैंने ये पढ़ा था कहीं पे लेकिन याद नहीं आ रहा है क्लैरिटी नहीं आएगी आपको नेक्स्ट परफंक्टरी फंग ट्री आई डोंट बट आई जस्ट डू इट मतलब मुझे पसंद नहीं है बट मैं वैसे ही कर देता हूँ मतलब क्या उसको बेसिकली उसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो चीज करने में है ना परफंक वैसे बोल सकते हैं हम लोग तो परफंग इसको अब हम देखते हैं कि ऑप्शन से कैसे कर सकते ओके अटेंटिव इनअेंटिव नॉन चैलेंट केयरलेस अब ये देखो जो लोग अटेंटिव सॉरी uh, जो लोग इन अटेंटिव होते हैं वही लोग केयरलेस भी होते हैं तो फिर ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए तो बच्चे बस दो अटेंटिव या फिर नॉन चैलेंट तो क्या होगा अटेंटिव आई डोंट लाइक इट बट आई जस्ट डू इट ऐसे नहीं हो सकता राइट तो फिर ये अटेंटिव नहीं होगा नॉन चैलेंट होगा पर सो so, परफंक्ट ट्री का मतलब क्या होता है परफंक्ट ट्री मीन्स ंग इंटरेस्ट या फिर डिसइंटरेस्टेड क्योंकि डिस इंटरेस्टेड और नॉन चैलेंट का भी मतलब सेम है नॉन चैलेंट का भी मतलब है द वन हु इज अनकंसर्ड या फिर वन हु इज इनडिफरेंट कोई कोई लोग होते हैं ना ऐसे इनडिफरेंट होते हैं मतलब दे डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी दे आर वेरी मच अनक अबाउट एवरीथिंग सो ऑल दीज आर दे आर वेरी मच नॉन या फिर इनडिफरेंट यस सो नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड समे टायर सम नहीं होना है पर ओके वी हैव टू बी सुपर एनर्जेटिक यस yes. का मतलब ये देख लो एग्जॉस्ट कैसा वर्ड है निगेटिव वर्ड है टायर्ड होता है ना टायर्ड से तो आप गैस कर ही सकते हो एग्जॉस्ट भी निगेटिव वर्ड है एनरवेट भी निगेटिव वर्ड है एनर्जी ड्रेन करना तो बच्चे ये दोनों एनर्जाइज और टीडीएस तो उसमें आपको एनर्जाइज आप इजीली टिक कर सकते हो बिकॉज एनर्जाइज मतलब कोई चीज हमें जो एनर्जी देती है और टायरसम मतलब जो चीज हमारी एनर्जी खींच लेती है राइट right? तो इससे आप कर सकते थे ये इजी था तो जो चीज टायरसम होती है ना मतलब या फिर टीडीएस होती है टीडीएस तो उसका सिनोनिम हो गया टीडीएस होती है तो उसका मतलब होता है डल mm, yes, ये तो बहुत कॉमन यूज वाले वर्ड्स है ना राइट मोनोटोनस मोनोटोनस को आप कैसे ध्यान में रखोगे मोनो का मतलब होता है वन टोनस का मतलब होता है टोन एक ही टोन में अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो फिर आपको कैसा लगेगा आपको बहुत बोरिंग फील होगा डल फील होगा राइट right. यस yes. तो नेक्स्ट वर्ड है मर्की यस एंड ये मर्की और इसका एंटोनिम जो भी है ये हमारे फेवरेट वर्ड्स है राइट right? क्योंकि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी इसके बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं

इन द प्रीवियस सेशन मैंने एक ओल्ड मैन का सैड सा फेस डाला था ओल्ड मैन का सैड सा फेस डाला था मैंने आई स्टिल रिमेम्बर दैट ग्लूमी सलन नेगेटिव है डर्टी नेगेटिव है कॉडियल कॉडियल का मीनिंग ऑल ऑफ यू आर कॉडियली इनवाइटेड फॉर माय बर्थडे पार्टी मतलब क्या होता है हैप्पीली इनवाइटेड राइट तो ये पॉजिटिव सेंस में तो फिर ये आप कर सकते हो विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन इवन बिकॉज़ ये तीनों निगेटिव जा रहे हैं तो फिर एक ही पॉजिटिव है और हमें एंटोनियम चाहिए राइट right? यस yes. तो पहले मैं आपको किसके कराऊं वर्ड्स बताओ जल्दी मरकी के कराऊं या कॉर्डिल के कराऊं मरकी के कराऊं ओके सो मरकी सो आई विल रिपीट दम फास्ट मरकी का मतलब होता है सैड ग्लूमी तो है यहां पे ग्लूमी मोरोस का मतलब भी है सैड और एक है सलन सलन है यहाँ माल, माल मैंने लास्ट टाइम कराया था जिसमें भी माल ये वर्ड होता है उसका मीनिंग बैड के सेंस में जाता है ओके मेलनकली मेलनकली मतलब जो मतलब जो लोग अगर कोई मरा हुआ है ना तो उसके लिए जो सैड पोयम या फिर वो फीलिंग जो होती है ना उसको मेलेन बोलते हैं ओके डिजेक्शन अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपको डिजेक्शन फील होता है तो फिर रिजेक्शन से ध्यान में रखो डिजेक्शन ओके और वो वो का मतलब भी होता है पेन ओके और क्या कराओ यस और एक लोनली ठीक है ये भी करा ये भी हो जाएगा बट इट्स अपॉन द ऑप्शन बट ये सारे तो है ये एकदम एक्यूरेट है इसके सिनोन ओके okay? एकदम एक्यूरेट तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे हैपी कार्डियल तो है यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको यू फोर या इसके रिगार्डिंग भी पढ़ाया था यू के सारे वर्ड्स बताए थे मैंने जो बिकॉज यू जिसमें भी होता है ना वो वर्ड्स ज्यादातर पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो ये मैंने कराया था आपको एक्सट सी मतलब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस डिलाइटफुल चेयरफुल चेयरफुल तो इजी है रैप्चर ऐसे ध्यान में रखो कि रैप म्यूजिक सुनते ही हमें बहुत खुशी होती है ना तो फिर वैसे खुशी होती है रैप्चर गायती मर्थ ऐसे ध्यान में रखो कि अगर किसी की फैमिली में किसी बच्चे की बच्चे का जन्म होता है बर्थ होती है तो फिर उसको मर्थ फील होता है खुशी फील होती है उन लोगों को फिर जोवियल जॉय से ध्यान जॉय ओके तो जॉय से ही जुबिलियंट या फिर जुबिलियन मतलब मतलब क्या होता है यस गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली राइट तो फिर इतने साल क, पूरे होने के बाद लोगों को खुशी होती है तो वैसे इलेशन और लास्ट वन एक्सल्टेशन एक्सल्टेशन okay? तो ये सारे हो गए वर्ड डिमोरलाइज निगेटिव सा लग रहा है, Demoralized, negative है. Gloomy ने, हमने अभी देखा सैड डल भी किया था हमने अभी ये भी निगेटिव है तो फिर अंटरिम हो जाएगा कम्फर्टेबल अन का मतलब होता है अपसेट होना उसके नर्व उसके नर्व ठिकाने पे नहीं है इसीलिए वो अपसेट है ओके ऐसे ध्यान में रखो इसीलिए वो अपसेट है या फिर वो नर्वस है yes. Next one is ये देखो है मतलब हर एक हर एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ पॉइंट कर रहा है इनको ही पता नहीं है कि गलती किसने की है मतलब उनको ही कंफ्यूजन है ओके इम्ब्रॉगलियो का मतलब कंफ्यूजन बोल सकते हैं यस yes. तो अगर आप अगर आपने थोड़े भी वर्ड्स किए हैं रिमेम्बर वो कैप थोड़ी भी आती है आपको तो फिर आपको पता होगा कंफ्यूजन पर्प्लेक्स और बैफल ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स है सिनोनिम्स है किसके कंफ्यूजन के तो फिर यही हो गया कॉम्प्रिहेंसिबल या फिर और एक आप ट्रिक ट्रिक लगा सकते थे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिबल कॉम्प्रिहेंशन होता है कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको वो पैसेज समझना होता है और फिर उसके नीचे दिए गए वर्ड्स होते हैं ना या सॉरी उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस उसको वो सॉल्व करने होते हैं right? राइट तो फिर कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझना ओके okay? किसी की क्लैरिटी होना तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल तो इम का मतलब पता चल गया आपको क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग सिचुएशन ओके यस द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पॉयल, यस, तो ये देखो क्या कर रहा है ये लूट के ले जा रहा है ना तो लूट तो है यहाँ पे निगेटिव वर्ड है ये डिस्पॉयल, स्पॉइल से आपको समझ रहा होगा ना स्पॉइल करना मतलब तोड़ फोड़ कर देना तो ये भी निगेटिव है रैनसेक इम्प्रूव पिलेज तो इसमें देखो आपको बताती हूँ इसके ना सारे सिनोनम्स है पिलेज का मतलब भी होता है लूटिंग इन अ वॉर वॉर से जो चीज लूट लूट ली होती है ना उसको बोलते हैं पिले इम्प्रूव पॉजिटिव वर्ड है रैन सेक मतलब भी ये ये ध्यान में रख देना की लूट कर दिया और फिर सेक में भर के भाग गया ओके okay? रैन सेक रैन विद द सेक या फिर इसको आप सिर्फ सैक भी बोल सकते हो तो ये भी निगेटिव है चोरी करना तो इसका एंटरनिम हो गया इंप्रूव नेक्स्ट डीवीएस डीवीएस का मतलब आपको ये पता होगा डेविएट इसी का रूट है एक्चुअली डेविएट मतलब ऐसे डेविएश कर डेविएशन आपको यहाँ जाना है आपका गोल यहाँ पे था लेकिन आपने डेविएट कर दिया तो फिर आप गोल तक तो पहुंची नहीं मतलब यू डेंट गो स्ट्रेट तो इसका एंटरनिम हो जाएगा स्ट्रेट करली वेवी तो सिनोनिम्स मतलब देखो ना वेवी और करली स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है ये दोनों तो फिर ये दोनों भी नहीं होंगे दो ऑप्शंस कभी नहीं होंगे इम्पोडेंट ये मैंने किया था लास्ट स्लाइड लास्ट सेशन में आपसे करवाया था ना मैंने ये इम्पोडेंट का मतलब याद आया कुछ इम्पूडेंट रूड इंसोलेंट इम्पर्टिन्ट इफर स कराया था मैंने आपको लास्ट टाइम जिन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रूड सेंस में हो जाता है ना उनको बोलते हैं इम्पोर्टेंट पर्सन या फिर इनसोलेंट इम्पर्टिनेंट पीपल ओके यस नेक्स्ट द पेनिटेंट हसबेंड स्पेंड्स डेज एट हिज वाइफ्स ग्रेव मतलब कैसा तो भी हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के ग्रेव के यहाँ पे दिन काटता रहता है तो क्या होगा अनरिपेंटेंट तो नहीं होगा अगर वो अनरिपेंटेंट होता तो फिर वो क्यों जाता उस ग्रेव के लिए ग्रेव के पास पर्टिनेंट पेनीलेस पेनीलेस तो हमें पता था ये मैंने लास्ट टाइम कराया था आपको पेनीलेस के बहुत सारे वर्ड्स कराए थे मैंने पेनीलेस का मतलब जिसके पास पेनी नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है आई स्टिल रिमेम्बर द फोटो आई हैड प्लेस्ड अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन जो ऐसे पेवमेंट पे फुटपाथ के साइड पे बैठा था और जिसके पास कुछ नहीं है मैंने आपको बोला था इसके पास घर नहीं है इसके पास कुछ नहीं है राइट सो पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास पैसे वगैरह नहीं है ऐसे तो फिर उसको डेस्टिट्यूट बोल सकते हैं ये मैंने लास्ट टाइम कराया मैंने आपको डेस्टिट्यूट पेन्यूरियस इम्पॉवरिस्ड पॉवर्टी में जो जो पर्सन पॉवर्टी में है वो इम्पॉवरिस्ड है राइट पर्टिनेंट पर्टिनेंट या फिर सॉरी तो फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर सेंटेंस के सेंस से जाओ तो आप ये सॉरी वर्ड टिक कर सकते हो बिकॉज ही इज फीलिंग सॉरी ओके यस पर्टिनेंट रह गया इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है जो लोग रूड है तो फिर पर्टिनेंट का मतलब हो गया जो लोग रूड नहीं है मतलब जो लोग हम्बल है काइंड है ओके नेक्स्ट ऑकवर्ड ये मैंने कराया था अभी आपको कराया मैंने ऑकवर्ड क्लमजी अब्सर्ड राइट तो इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा कोई चीज ऑकवर्ड है तो उसकी एंटोनिम ऐसी कोई तो चीज होगी कि बहुत अच्छी है बहुत स्किलफुल है राइट लास्ट टाइम मैंने आपको ये वर्ड कराया था माल अड्रॉइड अड्रॉयट का मतलब होता है स्किलफुल और जिसमें भी माल लगता है उसका मतलब होता है बैड तो बैड बैड स्किल वाला मतलब वो एक्सपर्ट ही नहीं है तो इसका मतलब ये आप कर सकते हो एंटोनिम मालाड्रॉड का मतलब वन हु इज नॉट स्किलफुल एड्राइट का मतलब वन स्किलफुल राइट टेंडर मतलब इमेचर कार्डियल ये अभी कराया मैंने हैप्पी में और कैची कैची भी नहीं होगा नेक्स्ट वन विली तो विली का मतलब क्या होगा हॉरिड ऑनेस्ट रॉन्ची ड्रियरी तो मैं आपको बताऊ विली ये देखो विली फॉक्स मतलब क्या होता है फॉक्स कैसा होता है कनिंग होता है ना फॉक्स इज ऑलवेज कनिंग मतलब ऐसे उसको किया गया है तो विली का थोड़ा सा निगेटिव जाता है ओके okay? तो इसका पॉजिटिव क्या जाएगा वन हु इज नॉट कनिंग वो बिल्कुल भी कनिंग नहीं है वो पूरे साफ दिल का है मतलब ऑनेस्ट बोल सकते हो आप यस सो नेक्स्ट इज हॉरिड हॉरिड मतलब हॉरिबल या फिर शॉकिंग हॉड से ध्यान में रखो हॉरिबल, रॉन्ची, रॉन्ची का मतलब है डर्टी, या फिर स्मेली वलगर ये सारे उसी के सेंस, सेम सेंस में जाएंगे ऑप्शी ओके और ड्रियरी का मतलब तो आपको पता है जो चीज डरावनी होती है डरावनी से ही याद में रखो ड्रियरी थोड़ा सा डरावनी की तरह लगता है ना इंस्पायरिंग फियर ओके यस तो ना मैं अभी आपको थोड़े से विली के सिन बताती हूँ विली के मतलब कनिंग के कनिंग के सिन फॉक्स कैसे होता है कनिंग होता है तो फॉक्साइन फॉक्स की तरह वलपाइन कैनी आर्ट एंड क्राफ्ट पता है ना आपको तो वैसे ध्यान में रखो क्राफ्टी एंड आर्टफुल आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट कनिंग ओके आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाले लोग कनिंग होते हैं ऐसे नहीं है इट्स जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू रिमेंबर ओके insidious बहुत कनिंग है सब सब चीजें वो अपने इनसाइड वो अपने मन में रखता है insidious, स्कीमिंग इसको आप ऐसे ध्यान में रखो कि वो बहुत कनिंग इंसान है वो हर एक इंसान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्कीम स्कीम रचता है ओके डिसाइटफुल डिसाइड Decide का मतलब होता है फसाने वाला तो डिसाइड मतलब जो कोई दूसरों को फसाता है और उसी से एक लास्ट स्लाइड ओके लाय से ध्यान में रखो लाय से ध्यान में रखो स्लाय वेरी कनिंग ही इज अ sly पर्सन क्योंकि वो झूठ बोलता है, opulent, ये तो कितनी बार करा है opulent, कोपियस Co कोपियस -opulent. Copious. Copious का भी वही था ना abundant, किए थे हमने ये राइट right? मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना बताया था मैंने आपको ये अफ्लुएंट राइट right, इसके मीनिंग से अरे ये तो यही पे है अफ्लुएंट, फ्लरिशिंग, ये तो इजी था मतलब हमने किए है उतने और ये भी मैंने कराया था इंसॉल्वेंट किसमें कराया था बताओ वो जो डेस्टिट्यूट वाला था ना वो जो इंसान जिसके पास कुछ नहीं होता जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते ही इज पेनीलेस ही इज One who is is also so, ka matlab, बहुत आपको जो लोग ऐसे बहुत ज्यादा कर्जा वगैरह लेके भाग जाते हैं तो उनके अगेंस्ट होता है वो कोड सो नेक्स्ट वन इज माई टीचर आस्ट मी टू कंप्रेस दया है प्रेस करना कॉम्प्रेस करना मतलब प्रेस करना तो प्रेस करने का एंटोनिम होगा एक्सपांड तो एक्सपांड का क्या होगा सर्च ट्रेस, टर्न एनलार्ज, लार्ज करना लार्ज से एनलार्ज। लार्ज ध्यान नेक्स्ट वर्ड इज नॉवेल नॉवेल का मतलब क्या होता है नॉवेल देखो कोई भी नॉवेल जो बाजार में आती है ना वो नई होती है ना न्यू इट्स ऑलवेज न्यू ऐसा नहीं होता कि पुरानी कोई थी बुक और उसी को कॉपी करके नहीं बना दी और बोल दिया ये नॉवेल है नहीं बिकॉज नॉवेल का मीनिंग ही है न्यू ओके okay, जो तो फिर कंटेम्प्री मतलब क्या डांस फॉर्म्स होते हैं ना मतलब जो अभी जमाने में चल रहे हैं उसको आप मॉडर्न बोल सकते हो या फिर करंट current? करंटली जो चल रहा है उसको राइट right? करंटली जो चल रहा है उसको तो कंटेम्प्ररी तो इसका सिन क्या हो गया सिनोनिम नहीं सिनोनिम नहीं बोल सकते बट यस yes, मतलब सेम पीरियड में तो ओरिजिनल फैशन नहीं फैशन तो हमारा वोग है हमने किया था लास्ट टाइम वोग एंड वेग का डिफरेंस फैशन मतलब वो तो क्या हो जाएगा एंशियंट yes? तो कोई भी चीज जो अपना नयापन खो चुकी है ना उसके रिगार्डिंग कुछ वर्ड्स बता दो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर तो वन हैज लॉस्ट न्यूनेस तो उसको बोल सकते हैं बैनल या फिर या फिर क्लीस्ट हुई चीज कभी भी नई नहीं हो सकती राइट हैक की हुई चीज कभी भी नई नहीं होगी तो फिर हैकनेड भी है उसका मीनिंग और स्टेल स्टेल मतलब कल का खाना अगर हम आज खाए तो फिर वो स्टेल होता है ना फ्रेश नहीं होता वो स्टेल होता है मस्ती। और लास्ट वन वेबी देखो किसी भी घर में कॉबवेब्स कब जमा होंगे पता ना कॉब वेब्स स्पाइडर का होता है स्पाइडर वेब की तरह तो कॉबवेब्स कब जमा होंगे जब वो चीज यूज में नहीं है वो अपना नयापन खो चुकी है बहुत पुरानी हो गई तो फिर उसको बोल सकते हैं ओके okay? तो ये सारे सिनोनिम्स हैं यस राइफर्स राइप पॉपुलर या फिर serine. अब ये देखो पॉपुलर पॉजिटिव वर्ड है सेरिन भी पॉजिटिव वर्ड है राइप मतलब वैसे पॉजिटिव है मैच्योर हुई हुई चीज ना मैच्योर तो ये भी पॉजिटिव है तो फिर इसका एंटरनिम होगा राइफ का हम स्कार स्टिक कर सकते हैं ओके तो राइफ का हमने अभी जो हमने अपनी वो तैयार की ना डिक्शनरी अपनी अबंडेंट वाली, तो उसमें ये ऐड कर दो ओके अबंडेंट या फिर कॉमन देखो ही इज राइफ विथ मनी आसमान से पैसे बरसते हैं यस ओके नेक्स्ट वन जैसन वॉज सेंट टू तो स्कूल इन इंग्लैंड उसने तो एक्सेल किया वो फेल हो गया yes, तो फिर हो सकता है, yes. pursue, वैसे तो ये तीनों पॉजिटिव थे राइट यस इजी था ये नेक्स्ट वन ऐसे बीच बीच में इजी वर्ड्स पे आ जाने चाहिए ना नहीं तो इतने सारे वर्ड्स पढ़ा रही है मैम बट प्लीज ट्रस्ट मी इट वुरी यूजफुल एंड आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग इट इज वेरी फैसिनेटिंग पॉजिटिव है ना बहुत पॉजिटिव वर्ड है बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग अनफेटेबल या फिर रिपल्सिव ये तो तीनों वैसे तो है थोड़े से पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल पॉजिटिव मतलब फैसिनेटिंग का मीनिंग है चार्मिंग है ना या फिर इंटरेस्टिंग राइट right. तो उसका एंटरम क्या हो गया ज्यादातर रिपल्सिव हो सकता है ये हमने किया है वर्ड रिपल्सिव रिजेक्ट मतलब डिसलाइक में किया था शायद है ना लाइक और डिसलाइक के हमने किए थे ना वर्ड्स तो फिर उसमें किया था शायद रिपल्सिव रिपल्सिव मतलब जो चीज रिपेलिंग है या फिर डिस्गस्टिंग है उसको बोलते हैं रिपल्सिव विगरस विगरस मतलब फ्रेल, या फिर रोबस्ट देखो विगरस तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग का ही है ना मीनिंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड है विगरस मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस विगरस ट्रेनिंग होता है है ना विगरस रिगरस तो स्टडी भी स्टडी स्ट्रॉम रोबस्ट ये सिनोनिम्स है बाइंड तो आपको पता है बॉय फोर्स होता है ना बॉइंट फोर्स मतलब अगर आप किसी बीकर में कुछ डालो तो फिर उसमें अगर पानी होगा तो फिर एक फोर्स पानी की तरफ से नीचे से भी एक ऊपर आता होगा तो उसको बोलते हैं बाय फोर्स है ना स विच मेक्स दिस ऑब्जेक्ट टू फ्लोट तो बॉय का मतलब फ्लोटिंग भी है ओके और अगर इंसान के सेंस में बोलो तो फिर कौन होता है ऐसे दे फील लाइक दे आर फ्लोटिंग इन द एयर वन हु राइट वन हुज वेरी चेयरफुल तो उस सेंस में भी जाता है ये ओके तो इसका एंटोनिम है फ्रेल फ्रेल का मतलब होता है आपने सुना भी होगा प्रजाइल एंड फ्रेल जाइल मतलब फ्रेम मतलब विच कैन बी ब्रोकन इजीली ओके इजिली ब्रोकन गटे तो ये जो है ना रोबस्ट रोबस्ट का मतलब ये स्ट्रोंग स्टडी या फिर आप उसको टफ बोल सकते हो सबस्टैंशियल सब्सटैंशियल मोशन होते हैं क्वालिटी में पढ़ा है ना आपने

एंटोनिम बताओ फेरोस रफ स्टेशनरी पेंट इंटेंस एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा क्वॉंटिटी में या फिर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा फेरोशियस फेरोशियस का मतलब क्या है सम डॉग्स आर फेरोशियस मीन्स दे आर फ्यूरियस है नाइटफुल उसको बोलते हैं फेरोशियस रफ भी नहीं होगा स्टेशनरी स्टेशनरी मतलब जो चीज परमानेंट बोल सकते हैं स्टॉइक बोल सकते हैं राइट परमानेंट स्टॉइक प्लेस्ड पेंट फेंट हो जाएगा इसका कम इंटेंसिटी में होना नेक्स्ट सेपरेबल सेपरेबल मतलब जो चीज सेपरेट की जा सकती है उस मतलब इट इज डिविजिबल तो इसका एंटोनेम क्या हो गया सी सेपरेबल मतलब भी ब्रांच ब्रांच branch मतलब ऐसे होता है ना एक ब्रांच है और उसके आगे ऐसे दिस इज सेपरेबल जुडिशियस वी हैड डन दिस वर्ल्ड लास्ट टाइम जुडिशियस का मतलब वाइस प्रूडेंट टैक्टफुल किया था हमने ये लास्ट टाइम राइट इंडिविजिबल का मतलब जो डिवाइड हो सकता है तो ये हो जाएगा उसका आंसर शी लिव्स बिहाइंड एन इंडेलिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड इंडेलिबल मतलब उसने ऐसा कंट्रीब्यूशन पीछे छोड़ा है ना कि वो कभी भूला नहीं जा सकता राइट तो उसका क्या बोल सकते हैं हम सी लास्टिंग तो पॉजिटिव वर्ड है ड्यूरेबल भी पॉजिटिव वर्ड है तो ये दोनों भी नहीं हो गए तो इसका एंटनिम टेम्पररी ये हो सकता है सोलिटरी तो नहीं होगा सोलो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था सोलो मतलब जो अलोन होते हैं है ना किया था मैंने लास्ट टाइम तो सोलिलुकी वगैरह वर्ड्स किए थे हमने चेक कर तो दो वो एक बार तो टेम्परे हो जाएगा तो इसका मतलब ना हम अनफर्गेटेबल भी बोल सकते हैं इंडेलिबल कॉन्ट्रीब्यूशन अनफर्गेटेबल मेमोरेबल कॉन्ट्रीब्यूशन ओके मेमोरेबल यस नेक्स्ट वन इज पेंसिव। पेंसिव, पेनिटेंट किया था ना हमने कोई भी चीज अगर ऐसे पेनिटेंट है कोई इंसान मतलब क्या उसको बुरा लगता है उसको रिपेंट फील होता है है ना मतलब क्या होता है ये लोग ज्यादा सोचते हैं है ना तो फिर ऐसे ध्यान में रखो पेंसिव से ध्यान में रखो पेनिटेंट वाला वर्ड ओके मतलब वो लोग ज्यादा सोचते हैं दे आर वेरी थॉटफुल और वी कैन से दे आर वेरी रिफ्लेक्टिव अरे रिफ्लेक्टिव का तो है एंटनिम इसमें यस yes. तो इसका एंटनिम हो जाएगा अनरिफ्लेक्टिव मतलब वो ज्यादा सोचते नहीं है उनको बोलते हैं अनरिफ्लेक्टिव फ्रिवेलस का मतलब क्या ये शायद आपको पता होगा फ्रिवलस एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए कभी मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो ज्यादा ट्रिवियल या फिर नगेटरी निगेट निगेट होता है ना निगेटिव तो उसको ऐसे ध्यान में रखो जिसकी निगेटिव वैल्यू है या फिर जो चीज निगेटिव है वो निगेटरी है वो चीज नहीं करनी चाहिए या फिर अनइम्पोर्टेंट ओके okay? और गुफी गुफी मतलब silly. जो आप सब लोग कैंटीन में बैठ के करते हो ना गुफी बातें बातें या फिर क्रेजी ऐसे तो ये ना थोड़ा सा का हो जाएगा बिकॉज जो बातें आप ऐसे कैंटीन में बैठ के सिली बातें करते हो वो तो वैसे भी ट्रीवियली होती है इंपॉर्टेंट होती नहीं है राइट right?

हेजी और बाकी सारे याद कर दो ऑब्सकर नेबुलस नेक्स्ट वन बॉय डाइड आफ्टर ही नेब्ट असोल्टेड बाय द टीचर देखो असोल्ट करने से वो मर गया तो असोल्ट का मतलब होता है वी कैन से मतलब अटैक है ना फिजिकल और फिर या फिर वॉयलेंट अटैक तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा ये इसका एंटोनिम जरूर ये निगेटिव है ना तो फिर इसका एंटोनिम जरूर पॉजिटिव वर्ड होगा ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है गार्ड हो जाएगा नेक्स्ट वोसीफरस वोसीफरस मीन्स इसको आप वोकल से ध्यान में रखो वोकल मतलब बोलना है ना तो फिर वोकस वोसीफोरस मतलब इंटेंसली नॉइजी बहुत ज्यादा नॉइजी तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा साइलेंट वोकल से ध्यान में रखो ओके सलन तो हमने किया था सैड ग्लूमी गैलेंट का मतलब हीरोइक वेलियंट वेलियंट सोल्जर्स है ना ब्रेफ वो सारे और पग्नैशियस का मतलब यस पग्नैशियस इंपॉर्टेंट वर्ड है रिमेंबर इट पग्नैशियस का मतलब जो लोग बहुत ज्यादा झगड़ालू होते हैं ओके अग्नेशियस तो कॉरलसम या फिर अग्रेसिव बेलीजरेंट ब्रॉल्स ये सब आपने ना गालवान वाले में जब क्लैशेस हो रहे थे तब ये वर्ड सुने होंगे इफ यू हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स ओके मतलब ये सारे झगड़ालू के सेंस में है ओके कॉरलिंट और मैंने आपको शायद बताया था लास्ट टाइम कि जिसमें भी बेली ये वर्ड होता है ना तो वो वॉर के सेंस में होता है झगड़े के सेंस में. बेली पोटेंट मतलब वॉर में जो पोटेंशियल है मतलब जो भी है जो वॉर में बहुत ज्यादा डॉमिनेंट है उसको बोलते हैं ओके लाइक प्रेजेंटली रशिया यूक्रेन बोथ ऑफ देम आर पोटेंट वी कैन सी रिप्राइव आपने सुना होगा ग्रांट पार्डन किसमें था ये बताओ प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन रिप्राइव रिस्पाइट कम्यूट है ना तो रिप्राइव का मतलब होता है डीले करना पनिशमेंट पार्डन का मतलब होता है फर्गीव करना माफ करना तो डीले का एंटोनिम क्या हो जाएगा टर्न आउट टोरेंशियल सीज कंटिन्यूएशन यस yes, कंटिन्यूएशन हो जाएगा टोरेंशियल रेन्स वॉयलेंट सीज़ का मतलब क्या होता है सीज़ स्टॉप इजी है ना ये मतलब स्टॉप और टर्न आउट का मतलब टर्न आउट एक्सपेल एक्सपेल फ्रॉम द किंगडम बैनिश फ्रॉम द किंगडम इजेक्ट फ्रॉम द किंगडम लास्ट मतलब पहले के जमाने में होता था ना किसी को किंगडम से इजेक्ट किया जाता था या फिर एक्सपेल किया जाता था तो फिर उसको बोलते हैं राइट अब बस पांच पांच और okay? और ओके एंड देन विल वाइंड अप सेशन सॉर्डिड इसे आप पिक्चर से ही आप ध्यान में रख सकते हो सॉर्डिड सॉर्डिड ये वर्ड दिखे ना तो ये ये पिक्चर याद कर देना आई लव सॉर्डेडी कंडीशन डर्टी होता है इसका मीनिंग है ना डर्टी तो फिर इसमें देखो अब अब वाले वर्ड्स निगेटिव होते हैं बताया था मैंने सेंशर किया है लास्ट टाइम हमने ये कंडेम शेमफुल भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है तो एक्सेलेंट हो जाएगा और ये भी निगेटिव है यस yes. सेंशर मतलब कंडेम प्रेज में किया था शायद यस याद आया मुझे योलोजाइज ये वर्ड कराया था मैंने योलोजाइज मतलब प्रेज तो उसके एंटोनेंस में मैंने ये वर्ड्स कराए थे आपको डिस्ट कंडेम या फिर ब्लेम ओके द ओनर अंडर एस्टिमेटेड टू द वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट अंडर का एंटरम होता है ओवर तो so फिर अंडर एस्टिमेट का ओवर एस्टिमेट हो जाएगा ओवर एस्टिमेट मतलब एक्सैजरेट बढ़ा चढ़ा के बात बता देना यस कैलकुलेटेड चार्ज मिसलेड मिसलेड मतलब गलत एडवाइस देना है ना बैड एडवाइस नेक्स्ट द लंच मेनू इंक्लूड्स यस ऑफरिंग का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा टेम्प्ट करना है ना करना तो फिर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा रिपेलिंग रिपेल तो वर्ड हमने अब तीन बार कर, किया है इसी वर्ड में, इसी वर्ड सॉरी वीडियो में है ना तो फिर रिपेलिंग हो जाएगा सिडक्टिव एंटाइसिंग टेंटलाइजिंग टेंटलाइजिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पैदा करना ओके स्टिम्यूलेटिंग इंटरेस्ट और इंटेन एंटाइसिंग का मतलब होता है अल्यूरिंग अल्यूर करना या फिर अट्रैक्ट अट्रैक्ट करना अल्यूरिंग और अट्रैक्ट सिडक्टिव का भी थोड़ा सा वही सेंस जाता है ओके okay? यस अनकैनी डर गए ना सब लोग ये वीडियो ये पिक्चर देख के अनकैनी अनकैनी का मतलब क्या होगा ये जो भी यहाँ पे हो रहा है ना सब अनकैनी है अनकैनी मतलब मिराक्युलस या फिर जो चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है ओके मैजिकल मरैक्युलस ओके मैजिकल मिराक्यूलस या फिर आप फेनोमिनल बोल सकते हो ओके okay? तो क्वेर क्वेर का मतलब भी आपको पता होगा एल क्यू कम्युनिटी में उसके अकॉर्डिंग क्वेयर का मतलब जो लोग नॉर्मल नहीं होते है ना नॉट नॉर्मल हालांकि नॉर्मलाइज होनी चाहिए ये बात बट इट्स ओके सो नॉट नॉर्मल या फिर स्ट्रेंज या फिर ऑड इसका मीनिंग ही है क्वेर का Not normal, strange, या फिर ऑर्ड अनड्य अन मतलब एक्सेस तो हमारे अब ये वर्ड भी एड किया जाए ओके बट दिस इज नॉट द आंसर सेंटली या फिर ऑर्डिनरी तो क्या होगा यस yes, ऑर्डिनरी होगा इसका आंसर बिकॉज ये सारे ना थोड़े से एक्सट्रॉर्डिनरी के सेंस में जा रहा है सबका मीनिंग इसका भी तो ऑर्डिनरी हो जाएगा ओके okay? का मतलब तो होता है होली या फिर पायस रिलीजियस उससे मुझे याद आ गया प्रोसेलाइट प्रोसेलाइट का मतलब होता है वन new न्यू टू एनी रिलीजन अ पर्सन इज न्यू टू एनी रिलीजन ओके द favoritism ऑफ द boss लेड टू मेनी disgruntled employees disgruntled अब ये देखो ये ऐसा बॉस है उसकी वजह से सारे डिसग्रंटल्ड है दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी हैप्पी राइट तो तो फिर फिर इसका क्या हो जाएगा तो फिर बोल सकते हैं हम लोग है ना प्लीज मिजरेबल तो नहीं होगा निगेटिव है डिस्टर्ब भी नहीं होगा डिटर्मेंट नहीं होगा डिटर्मेंट का मीनिंग थोड़ा अलग सेंस में जाता है राइट right. प्लीज हो जाएगा थोड़े ना मुझे मिजरी से कुछ वर्ड्स याद आ गए आई टेल यू क्योंकि एग्जाम में ये वर्ड्स भी आते हैं Misery. Misery मतलब क्या जो कोई भी पर्सन ट्रेजेडी में है है ना दुख दुखी अवस्था में है कैलेमिटी या फिर मिस फॉर्चून या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसको और ट्रिब्यूलेशन मिस वाले वर्ड तो निगेटिव ही होते हैं तो उससे ध्यान में रख देना मिजरी में भी मिस है मिस फॉर्चून मिस या फिर यस yes. कैटास्ट्रॉफे वो वो का मतलब भी पेन नहीं हमने किया था एपोकैलिप्स या फिर डिस्ट्रेस स्ट्रेस में होना और कैलिप्स को कैसे ध्यान में रखोगे कोलैप्स कोलैप्स से ध्यान में रखो अगर आप किसी Uh, मतलब परेशानी में है या फिर आपकी अवस्था मेंटल या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ uh, फिजिकल्स आपकी ठीक नहीं है तो फिर आप कोलैप्स कर जाते हो ना तो उससे ध्यान में रखो ओके नेक्स्ट वन अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है मतलब नियर अबाउट मतलब जो चीज एक्यूरेट नहीं है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जो चीज एक्यूरेट है वेक का मतलब तो नॉट क्लियर आवरली भी नहीं ट्रूली भी नहीं एग्जैक्टली exactly हो जाएगा वेक का मतलब होता है नॉट क्लियर तो वोग का बताओ जल्दी comment section में मुझे वोग का meaning बता दो। okay? Next is amateur. अब ये है हमारा सेकेंड लास्ट पक्का वाला सेकेंड लास्ट अमैचर का मतलब क्या होता है हमने ये फर्स्ट सेशन में बहुत सारे वर्ड्स किए हैं एक्सपर्ट स्किलफुल मैं सारे नहीं कराऊंगी अभी बस आपको uh, बोल देती हूँ एक्सपर्ट अ प्यूपिल वो स्टूडेंट है वो एक्सपर्ट नहीं है है ना यस नेक्स्ट इज लास्ट वन बारबैरिक नाउ दैट्स बार ये वॉर बारबैरिक है मतलब ये वॉर इनह्यूमन है या फिर क्रूअल है ब्रूटल है ओके इनडिफरेंट ब्रूटल इनक्विजिटिव या फिर सिविलाइज इनडिफरेंट तो नहीं होगा ब्रूटल तो इसका सिनोनिम हो गया इनक्विजिटिव भी नहीं होगा सिविलाइज बोल सकते हैं ओके okay? सिविलाइज का एंटोनियम क्या बोल क्या होगा बोलो इन अगर आपको इन सिविलाइज के कुछ और एंटोनिम्स सॉरी uh, पता है तो फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे लेट मी ऑल्सो चेक कि आप लोग भी अपनी वो कैप कितनी अच्छे से डेवलप कर रहे हो ओके इन सिविलाइज मतलब रूरल बोल सकते हो ओफ रूरल मतलब गवार लोग ऐसे ऐसे होता है ना मतलब ऐसे ध्यान में मत रखो बट इट्स जस्ट इन ऑर्डर टू हैव टेक्निक ओके ओफ ओफ मतलब उफ ये इनसिविलाइज्ड पीपल ऐसे बोल सकते हैं आप ओके बम्पकिन पम्पकिन खा खा के बम्पकिन हो गए ओके बम्पकिन ऐसे ध्यान में को रस्टिक रस्ट चढ़ गया है उनपे इनसिविलाइज हो गए या फिर बूरिश, योकल, द लास्ट वन कंट्री साइड ओके okay, ये हो गए इन सिविलाइज के सिनोनिम्स अगर आपको और कुछ भी सिनोनिम्स याद है याद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना मैं वो चेक कर लूंगी ओके यस एंड डू टेल मी हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो ऑल्सो बिकॉज आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम वर्ड्स मैक्सिमम वर्ड्स मैंने ट्राई किए है कि आपके कवर कर लू थ्रू दीज टू वीडियोज एंड आई एम श्योर कि उसमें से एग्जाम में आ ही जाएंगे बट आपका बस एक काम है वो है रिविजन करना एंड लेट मी टेल यू फर्स्ट रीडिंग में आपको सारे के सारे वर्ड्स रिवाइज याद नहीं रहेंगे जब आप उसको मल्टीपल केल्टीपल दोगे मतलब दो बार तीन बार तो फिर आपको ऐसे पता चलेगा कि अपने आप आपको वो उसका कंटेक्सट पता चल रहा है ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ड्स को मल्टीपल टाइम्स रीड करो और प्रैक्टिस करो उनके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करके मुझे जरूर बताओ कि आर यू फीलिंग हेल्पफुल ओके आपको इस वीडियो की हेल्प हो रही है या नहीं बट इट सो दट ऑल फॉर द डे थैंक यू ब बाय टेक केयर